हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीबीपी साइंस। आज के वीडियो के हाइलाइट्स हैं, व्हाट इज एंग्विनर टिटिसाई, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंग्विनर टिटिसाई, सिम्टम्स ऑफ ईयर कोकल ऑफ वीट, डिजीज साइकिल ऑफ एंग्विना टिटिसाई। आज हम स्टडी करने वाले हैं ईयर कोकल ऑफ वीट कॉज्ड बाई एंग्विना टिटिसाई। व्हाट इज एंग्विना टिटिसाई? दिस इज फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड। नेमेटोड क्या होते हैं? दिस इज ईल वर्म और राउंड वर्म स्ट्रक्चर। दिस इज द पिक ऑफ एंग्विना टिटिसाई। दिस इज द माउथ रीजन ऑफ एंग्विना टिटिसाई। दिस इज ऑल्सो पिक ऑफ एंग्विना टिटिसाई। लेट्स स्टडी इन डिटेल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंग्विना टिटिसाई। एंग्विना टिटिसाई इज अ लार्ज नेमेटोड। ये बहुत लंबे होते हैं। द लेंथ ऑफ नेमेटोड रेंजेस फ्रॉम 1.5 to 3 millimeter इन लेंथ। 3 millimeter तक ये लंबे पाए जाते हैं। मेल्स आर 1 to 2 millimeter एंड फीमेल्स आर ओबेस। फीमेल्स थोड़ी ओबेस होती हैं एज कम्पेयर टू मेल नेमेटोड। दिस इज द पीक ऑफ एडल्ट फीमेल ऑफ एंग्विना टिटिसाई। दिस इज द माउथ रीजन ऑफ एंग्विना टिटिसाई। दिस इज द माउथ रीजन। दिस पोर्सन इज नोन एज स्टाइलेट। दिस इज द स्टाइलेट पोर्सन। स्टाइलेट STYLET स्टाइलेट। स्टाइलेट इज ए ऑलपिन लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस वन। दिस इज यूज टू पायर्स द होस्ट टिश्यू। ये होस्ट टिश्यू को पंक्चर करने के काम आता है, जहाँ से ये अपने न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करता है। दिस इज इसोफेगस पार्ट ऑफ द नेमेटोड। दिस इज द एरिया वेयर डेवलपमेंट ऑफ एग्स आर देयर। जब एग्स इसके डेवलप हो जाते हैं, बनने लगते हैं लाइक दिस वन, देन दिज एग्स आर रिलीज फ्रॉम दिस ओपनिंग। फ्रॉम दिस ओपनिंग एग्स आर रिलीज्ड। दिस इज नोन एज टेल रीजन। ओके, दिस इज द माउथ रीजन, दिस इज द टेल रीजन। सो अब नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द नेमेटोड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटोड। एंग्विना टिटिसाई इज ऑल्सो नोन एज सीड गॉल नेमेटोड और लीफ गॉल नेमेटोड। इट बिलोंग्स टू द ऑर्डर टाइलेंचिडा, फैमिली एंग्विनिडी। रिप्रोडक्शन इज एम्फीमिक्स। एम्फीमिक्स मीन इसमें मेल नेमेटोड और फीमेल नेमेटोड डिफरेंट होते हैं। आफ्टर मेटिंग दे प्रोड्यूस द एग्स। होस्ट एंग्विना टिटिसाई वीट को भी इन्फेक्ट करता है, राई को भी इन्फेक्ट करता है और ग्रासेस को भी इन्फेक्ट करता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंग्विना टिटिसाई वॉज डिस्कवर्ड इन 1743 बाई टी नीधम एंड दिस इज द फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंग्विना टिटिसाई इज J2 स्टेज और सेकेंड स्टेज जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब लार्वी। लार्वी यानी कि एक नेमेटोड का छोटा बच्चा। इसको हम एक डायग्राम में समझते हैं कि जुवेनाइल, सेकेंड स्टेज जुवेनाइल क्या होते हैं। ओके, दिस इज द एग ऑफ नेमेटोड। दिस इज द एग ऑफ नेमेटोड। एग में थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। फिर इसमें डेवलपमेंट होता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। फिर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। कुछ डेवलपमेंट के बाद इसका स्ट्रक्चर अंदर से कुछ ऐसा हो जाता है। अब ये नेमेटोड की शेप में थोड़ा सा आ गया। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल। तो फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल या फर्स्ट स्टेज लार्वी एग के अंदर ही बन जाता है। एग के अंदर ही फर्स्ट मोल्ड हो जाता है। फर्स्ट मोल्ड के बाद जब एग हैच करता है तो सेकेंड स्टेज जुवेनाइल ये बाहर निकल रहा है एग से। ये एंग्विना टिटिसाई का नेमेटोड एग से बाहर निकल रहा है। ये किसी भी प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड में ऐसा ही होता है। सेकंड स्टेज जुवेनाइल, तो ये जो हमारा है ये सेकंड स्टेज जुवेनाइल बाहर निकल गया आफ्टर फर्स्ट मोल्ड। फर्स्ट मोल्ड एग के अंदर ही हो जाता है। उसके बाद सेकंड मोल्ड होता है। सेकंड मोल्ड का मतलब होता है कि इसकी जो आउटर लेयरिंग होती है नेमेटोड की, ये बाहर को शेड कर जाती है, निकल जाती है और ये नेमेटोड थोड़ा लंबाई में बढ़ जाता है, थोड़ा मैच्योर हो जाता है। आफ्टर सेकेंड मोल्ट जो नेमेटोड का लार्वा बना दैट इज नोन एज थर्ड स्टेज जुवेनाइल। थर्ड स्टेज जुवेनाइल के बाद थर्ड मोल्ट होता है। मोल्ट मतलब देखो ये स्किन इसकी बाहर निकल रही है और ये फिर लेंथ में थोड़ा और बड़ा हो जाता है और मैच्योर हो जाता है। दैट इज नोन एज फोर्थ स्टेज जुवेनाइल।
फोर्थ स्टेज जुवेनाइल में फोर्थ मोल्ट होता है, फोर्थ मोल्ट के बाद जो नेमेटोड होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं एंड डिफरेंशिएटेड इनटू मेल नेमेटोड एंड फीमेल नेमेटोड। सो बच्चों अब ये समझ में आ गया होगा कि जुवेनाइल का मतलब क्या होता है। जुवेनाइल मतलब लार्वी, फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल, सेकंड स्टेज जुवेनाइल, थर्ड स्टेज जुवेनाइल, फोर्थ स्टेज जुवेनाइल, और ये जो सेकंड स्टेज जुवेनाइल लार्वी है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है मोस्ट ऑफ द नेमेटोड्स की। सो ईयर कॉकल ऑफ वीट कॉस्ड बाई इंग्यूना टिटिसाई, दिस इज ऑल्सो नोन एज लीफ कॉल नेमेटोड और वीट सीड कॉल नेमेटोड, फर्स्ट रिकॉर्डेड प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड, डिस्कवर्ड बाई नीथम इन 1743। सिम्टम्स ऑफ ईयर कॉकल ऑफ वीट, जब वीट के प्लांट को एंग्विना टिटिसाई इन्फेक्ट करता है तो वीट का जो इन्फ्लोरिसेंस होता है, वीट का जो हेड होता है ये हेल्दी है, हेल्दी वीट सीड जब इन्फेक्शन हो जाता है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं उसके ईयर हेड, और इसमें बीच बीच में वीट गेहूं के दाने की वजह इसमें गॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज़ द पीक ऑफ हेल्दी वीट, दिस इज़ द पीक ऑफ गॉल विच आर फुल ऑफ एंग्विना टिटिसाई, जब वीट के सीड में नेमेटोड एंग्विना टिटिसाई के भरे होते हैं ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, गॉल, दिस इज नोन एज द गॉल। ओके नाउ एक्टोपैरासिटिक फीडिंग ऑफ एंग्विना टिटिसाई में कॉज, एक्टोपैरासिटिक फीडिंग ऑफ एंग्विना टिटिसाई यानी कि एंग्विना एक्टोपैरासिटिक फीडिंग का मतलब क्या है, पहले हम समझते हैं कि एक्टोपैरासिटिक फीडिंग क्या होती है। दिस इज द पीक ऑफ एक्टोपैरासिटिक फीडिंग, देखिए ये प्लांट दैट फीडिंग इज नोन एज एक्टोपैरासिटिक, एक्टोपैरासिटिक माने बाहर से ही फीड करना, तो एक्टोपैरासिटिक फीडिंग ऑफ एंग्विना टिटिसाई मे कॉज, जब एंग्विना टिटिसाई एक्टोपैरासिटिक फीड करते हैं वीट के प्लांट को तो लीफ में रोलिंग होने लगती है, कर्लिंग होने लगती है, लीफ स्पायरल शेप में आने लगते हैं, रिजल्टेड इन स्टंटेड प्लांट्स, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्लांट स्टंटेड हो जाता है, ड्वार्फ हो जाता है, छोटा हो जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंग्विना टिटिसाई इज द वेक्टर ऑफ द बैक्टीरियम क्लेवी बैक्टर टिटिसाई विच इज कॉजल एजेंट ऑफ येल्लो ईयर रॉट और टुंडू डिजीज ऑफ वीट, वीट में जो टुंडू डिजीज है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरिया है, क्लेवी बैक्टर टिटिसाई, बट ये बैक्टीरिया वीट प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल जब तक एंग्विना टिटिसाई का इन्फेक्शन ना हो, तो जो नेमेटोड होता है एंग्विना टिटिसाई जब स्टाइलेट अंदर डालता है तो उसी टाइम नेमेटोड की बॉडी में बैक्टीरिया भी चिपके रहते हैं और प्लांट में इन्फेक्ट हो जाते हैं। सो एंग्विना टिटिसाई इज द वेक्टर ऑफ द बैक्टीरियम क्लेवी बैक्टर टिटिसाई। नाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डिजीज साइकिल ऑफ एंग्विना टिटिसाई। That is very interesting figure, disease cycle of wheat seed gall caused by Anguina titisai. इसको हमने इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और यहाँ से पूरा स्टडी करते हुए इस पॉइंट को यहाँ पर फिनिश करना है। तो दिस इज द वीट हेड विथ सीड गॉल्स एंड हेल्दी वीट हेड, ये हेल्दी वीट हेड है ये इन्फेक्टेड विद एंग्विना टिटिसाई, जब वो इन्फेक्टेड होता है तो शॉर्ट हो जाता है, स्टंटेड हो जाता है, और इसके बीच बीच में यहाँ पर क्या हो जाते हैं, गॉल बन जाते हैं इन प्लेस ऑफ वीट, जब गेहूं के एक दाने में बहुत सारे एंग्विना टिटिसाई डेवलप हो जाते हैं तो गेहूं का दाना डेवलप नहीं हो पाता है, उसी गेहूं की दाने को हम बोलते हैं गॉल। ओके दिस इज द नेमेटोड्स ओवर विंटर इन सॉइल और इन सीड गॉल्स मिक्स्ड विद हेल्दी सीड, ये हेल्दी वीट सीड है, ये गॉल्स हैं, इन गॉल्स के अंदर एंग्विना टिटिसाई भरे हुए हैं, एक एक गॉल के अंदर अप टू 40,000 एंग्विना टिटिसाई रिपोर्टेड हैं कि होते हैं इसमें। ओके जब हम वीट की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं
तो वीट के सीड के साथ ये गॉल भी मिक्स रहते हैं या फिर ये गॉल सॉइल में पड़े रहते हैं। ओके, जब हमने वीट का ट्रांसप्लांटिंग किया और जिसमें ये गॉल भी थे, तो क्या होता है, ठीक है, वीट का सीड हमने यहाँ पर सॉइल में डाल दिया। अब ये जो गॉल थे, जब गॉल को यहाँ पर सॉइल में वाटर मिला, तो वाटर से ये नेमेटोड एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये सेकेंड स्टेज जुवेनाइल्स इमर्ज फ्रॉम सीड गॉल इन सॉइल, और मिट्टी में इन गॉल से सेकेंड स्टेज जुवेनाइल बाहर निकल जाते हैं। अब आप देख रहे हैं, यहाँ देखो कितने सारे ये नेमेटोड हैं, एंग्विना टिटिसाई हैं, ये सॉइल में पड़े। ये क्या होते हैं, ये सॉइल से ऊपर प्लांट में फिल्म ऑफ वाटर में प्लांट के ऊपर आ जाते हैं और एक्टो पैरासिटिकली फीड करते हैं। एक्टो पैरासिटिकली फीड कैसे करते हैं, ये डायग्राम मैंने अभी ऊपर दिखाया। जर्मिनेटिंग हेल्दी वीट कर्नल, यहाँ पर एक गेहूँ का हेल्दी प्लांट जर्मिनेट हो रहा है और यहाँ पर गॉल्स भी बड़े थे। गॉल्स ने जब पानी अब्जॉर्ब किया तो ये नेमेटोड बाहर निकल आए। व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट, नेमेटोड जुवेनाइल्स क्लाइम सीडलिंग बाय स्विमिंग इन फिल्म ऑफ वाटर। ये नेमेटोड है जो सॉइल में गॉल से रिलीज हो गया, एंग्विना टिटिसाई। एक गॉल में 40,000 तक नेमेटोड्स होते हैं। ओके, अब ये हमारा हेल्दी वीट सीड प्लांट है। और नेमेटोड क्या होते हैं, जो नेमेटोड के जो जुवेनाइल्स हैं, क्लाइम माने चढ़ जाते हैं इस पौधे के ऊपर, ये नेमेटोड चढ़ जाते हैं और एक्टोपैरासिटिकली फीड करते हैं। नेमेटोड फीड्स एक्टोपैरासिटिकली ऑन लीव नियर ग्रोइंग पॉइंट। एक्टोपैरासिटिकली मीन स्टाइलेट अंदर रहेगा और पूरी बॉडी इनकी क्या होती है, बाहर रहती है। ये नेमेटोड है, ये हमारा नेमेटोड जा रहा है, देखिए ये नेमेटोड है। ओके, इसने अपना स्टाइलेट इस रूट प्लांट की लीफ में या टिश्यू में अंदर डाला हुआ है और यहाँ से अपना, और ये धीरे धीरे पानी की एक फिल्म ऑफ वाटर रहता है बाहर से लीफ में या स्टेम में, तो ये नेमेटोड एक्टोपैरासिटिकली फीड करता है, ऊपर को क्लाइम करता रहता है, चढ़ता रहता है। ओके, इन्फेक्टेड लीव्स बिकम रोल्ड ट्विस्टेड एंड क्रिंकल्ड, और एक्टोपैरासिटिक फीडिंग ऑफ एंग्विना टिटिसाई की वजह से जो गेहूं की नॉर्मल पत्तियां होती हैं वो रोल्ड हो जाती हैं, ट्विस्टेड हो जाती है, क्रिंकल हो जाती है। ओके, ठीक है, अब नेमेटोड यहाँ पर चढ़ते इनका खाना चूसा जा रहा है पत्तियों का, पत्ते रोल होते चले जा रहे हैं और ये जब वीट का हेड बनता है यानी कि जब बाली आती है, तो नेमेटोड जब यहाँ पर पहुँच जाता है, देन व्हाट हैपन, तब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में नेमेटोड को यहाँ भी जा रहा है, नेमेटोड यहाँ भी जा रहा है, ये लाखों की संख्या में होते हैं नेमेटोड जो इसको एक्टोपैरासिटिकली फीड करते हैं। जब नेमेटोड चढ़ते गेहूँ के हेड तक पहुँच गया, व्हाट हैपन्स, यहाँ तक तो पैरासिटिक फीडिंग है यानी कि बाहर बाहर से फीड कर रहा है, सिर्फ स्टाइलेट अंदर पड़ा हुआ है। डिस्टॉर्टेड लीव्स स्टेम एंड हेड ऑफ द वीट प्लांट, ठीक है, जब एंग्विना टिटिसाई एक्टोपैरासिटिकली फीड कर रहा है तो पत्तियां डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, स्टेम एंड हेड ऑफ द वीट प्लांट, सब कुछ डिस्टॉर्ट हो जाता है, कुछ वीट प्लांट कुछ इस तरीके की शेप का आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जुवेनाइल्स यानी कि जुवेनाइल्स, अब समझ गए जुवेनाइल्स क्या हैं, लार्वी हैं नेमेटोड के, सेकेंड स्टेज जुवेनाइल्स हैं, इंटर डेवलपिंग कर्नल, कर्नल माने जो वीट का दाना है, गेहूं का दाना है। अब ये गेहूं का दाना है, जब तक ये गेहूं का इन्फ्लोरेसेंस या गेहूं का हेड नहीं बना था, तब तक तो एंग्विना टिटिसाई एक्टोपैरासिटिकली इसको फीड कर रहा था। जैसे ही एंग्विना टिटिसाई ये गेहूं के बीज के पास, कर्नल के पास पहुंचता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो जो नेमेटोड के जुवेनाइल्स होते हैं, पूरी बॉडी इनकी ना अंदर घुस जाती है, 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर साइज की पूरी बॉडी अंदर घुस गई। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, ये हमारा वीट का सीड है, इट सीड के अंदर देखो ये नेमेटोड चला गया। अभी एक नहीं होते, यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया, ये लाखों की संख्या में रहते हैं नेमेटोड गोस थ्रू अदर लार्वल स्टेजेस एंड बिकम्स एडल्ट इन कर्नल, कर्नल माने वीट का सीड। अब गेहूं के दाने के अंदर जब ये नेमेटोड घुस गया ना, ये नेमेटोड है, तो ये एडल्ट हो जाता है, एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल। ओके, नेमेटोड लेस एग्स विच हैच इन कर्नल, अब ये जो नेमेटोड है, मैंने उस डायग्राम में दिखाया था कि इसमें एक एक जो एंग्विना टिटिसाई है 2000 एग तक प्रोड्यूस करती है, एक तो इसमें जितने नेमेटोड होंगे उतने इसमें एग्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ये इतने सारे एग्स हैं। ओके ना, ये एग्स हैं सारे, ये कितने छोटे छोटे, तो ये वीट के दाने के अंदर नेमेटोड ने अपने एग्स प्रोड्यूस कर दिए, यहाँ पर एक दिखाया, न जाने कितने नेमेटोड इंटर कर जाते हैं, न जाने कितने एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ सीड
गॉल फुल ऑफ नेमेटोड। अब यही जो गेहूं का दाना था, गेहूं का ये जो हमारा सीड था, ओके ना, ये जो हमारा गेहूं का दाना था, इसके अंदर जो ये नेमेटोड गया, इसने जो एग प्रोड्यूस करे, ओके। अब यही गेहूं का दाना को हम क्या बोल देते हैं, सीड गॉल, दैट इज़ द गॉल। इस गॉल का जब क्रॉस सेक्शन लिया गया तो उसके अंदर ये जो छोटे 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 धागे जैसे स्ट्रक्चर दे रहे हैं, दीज आर द नेमेटोड। ये जो नेमेटो एग होते हैं ना, ये इसके अंदर हैच कर जाते हैं, ठीक है ना। और ये मैच्योर होते हैं, ये तो जो फीमेल एले होती हैं, एग प्रोड्यूस करती हैं, तो ये जो एग होते हैं ये हैच कर जाते हैं, तो सेकेंड स्टेज जुवेनाइल में ये इसके अंदर पड़े रहते हैं। अब ये हेल्दी सीड्स हैं, यहाँ पर इसमें ये हमारा इन्फेक्टेड हेड था और इसमें ऐसे ये गॉल बन जाते हैं और ये साइकिल फिर ऐसे ही रिपीट होती है। गॉल के अंदर, एक एक गॉल के अंदर 40,000 एंग्विनाटिटिसाई रिपोर्टेड हैं कि होते हैं, और 40 साल तक, 40 ईयर तक ये इसमें सर्वाइव रहते हैं, ओके। जब नीदम ने जब फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड, तो इन्होंने इसको पिचकाया, इस गॉल को क्रश किया, तो इनको ना कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। जब भी एग्जाम में डिजीज साइकिल लिखनी हो तो इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर अपनी कहानी बताते पूरा ऐसे यहाँ पर फिनिश कर देना, ओके। तो लेट्स बच्चों, अब समझ गए कि एंग्विनाटिटिसाई की लाइफ कैसी है। दिस इज द गॉल, ये वीट के गॉल थे जिसके अंदर हमने देखा 40,000 तक सेकेंड स्टेज जुवेनाइल्स पड़े रहते हैं। जब इसको हम हाथ से पिचकाते हैं, इसको यहाँ पर क्रश कर दिया, ठीक है। नीदम ने भी ऐसे ही किया था, नीदम ने जब इस नेमेटोड की डिस्कवरी करी, इसको क्रश की, तो देखो इसको ये धागे जैसे सारे स्ट्रक्चर आ जाए, ये जो धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, दीज आर एंग्विनाटिटिसाई। ये इतने सारे एंग्विनाटिटिसाई हैं, जबकि एक नेमेटोड में 40,000 तक नेमेटोड रिपोर्टेड हैं कि पाए जाते हैं। जब इन्हीं ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब इसने पानी डाला तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये मूवमेंट करने लगते हैं, ये घूमने लगते हैं। दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये गॉल है। इस गॉल से जो ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, जब इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लिया गया, तो ये देखिए इतने सारे एंग्विनाटिटिसाई के सेकेंड स्टेज लार्वी इस गॉल के अंदर पड़े हुए हैं, और ये इसकी ओवरविंटरिंग स्टेज होती है, और इसमें ये कितने सालों तक ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं नेमेटोड। दिस इज़ द, ये जो एंग्विनाटिटिसाई डिजीज है, एंग्विनाटिटिसाई लिस्टेड एज हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इन द फॉलोइंग 21 कंट्रीज में इनका ये बहुत है, लेकिन इसमें इंडिया इसमें काउंटेड, इंडिया में इतना ये पॉपुलर नहीं है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइल्ड, कोलंबिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, देर आर 21 कंट्रीज इन विच एंग्विनाटिटिसाई इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर कॉमन। तो इनमें क्या होता है, अगर इन कंट्री में अगर कहीं ये एंग्विनाटिटिसाई पॉजिटिव पाया जाता है, देयर मे बी ट्रेड इम्प्लीकेशंस विद दी, तो इन यहाँ पर ट्रेड रुक जाता है, भैया एंग्विनाटिटिसाई से इन्फेक्टेड है, वहाँ ट्रेड को, बिजनेस को रोकना पड़ता है।